औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक रिव्यू लेक्चर है, यानी इस पूरे लेक्चर में हम उन तमाम चैप्टर्स का एक रिव्यू लेंगे जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। उसमें सबसे इतने नए चैप्टर का रिव्यू लेते हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इस चैप्टर में हमने पहले तो इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन होती क्या है, ट्रांसपोर्ट की क्या मीनिंग है, एंशियंट टाइम पे क्या ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था, थ्रू बाय लैंड ही ट्रांसपोर्टेशन हुआ करती थी, एनिमल्स और बाय फुट लोग ट्रैवल किया करते थे। बट ग्रेजुअली अभी हम ये क्या डिस्कवर, हम क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, यानी बाय लैंड, बाय सी और बाय एयर। बाय लैंड में जो है वो थ्रू रोड्स के जरिए हम ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन करते हैं, और बाय रेल के जरिए हम कम्युनिकेशन करते हैं यानी रेलवेज के जरिए, और दूसरी जो ट्रांसपोर्टेशन है थ्रू अगर हम किसी और इस लिक्विड को अगर हम किसी जगह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं तो थ्रू पाइपलाइन जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। यानी ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन के बीच क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली ट्रेडिंग के लिए यूज होता है, तमाम जो कार्गो गुड्स और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए जो हम मीन्स यूज करते हैं वो अगर हम बाय लैंड की बात करें, रोड कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें ट्रक्स और बड़े जो कंटेनर सर्विस है उसके जरिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इसके अलावा बाय ट्रेन अगर हम ट्रांसपोर्ट करें तो बड़ी जो कार्गो ट्रेन है उसमें हम एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को लेके जाते हैं। पहले बहुत ही स्लो ट्रांसपोर्टेशन रेलवे सर्विस हुआ करती थी, अब बुलेट ट्रेन आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा यानी 300 किलोमीटर तक उसकी स्पीड होती है और बहुत ही जल्दी वो अपना डिस्टेंस कवर करती है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन थी, अगर हम जो सॉलिड गुड्स होती है उसको तो ट्रेन और ट्रक्स और कंटेनर्स के जरिए लेकर जाते हैं, लेकिन अगर लिक्विड गुड्स हो, लिक्विड मटेरियल हो तो उसके लिए लिक्विड या गैस तो उसके लिए पाइपलाइन सबसे जो है वो बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इसीलिए जब किसी भी ऑयल या गैस की ट्रांसपोर्टेशन होती है तो वो थ्रू पाइपलाइन ही की जाती है, सेफ भी होती है और उसकी स्पीड भी अच्छी होती है। उसमें यह कि एवरी 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक एक बूस्टर लगाया जाता है जो कि उसकी स्पीड को कंटिन्यू रखती है और डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। इसके अलावा बाई एयर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ा था कि अगर है तो एक्सपेंसिव, ट्रक और रेलवेज, रोड और रेलवेज की एज कम्पेयर टू रोड और रेलवेज, बट ये बहुत ही तेज और बहुत ही जल्दी क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है बाई एयर जो है, और तो इसका जो वॉल्यूम है बहुत कम होता है, बट कुछ ऐसा टाइम ऐसा वक्त आता है, ऐसी ज़रूरत होती है जिसमें किसी भी गुड्स की बहुत ही क्विक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कहीं अर्थक्वेक आ गया, कोई और डिजास्टर हुआ तो वहाँ जो मेडिसन है या और जो ऐसी सप्लाईज है जो कि उस वक्त इस डिज़ास्टर में बहुत ज़रूरी होती है तो वो बाई एयर जो है वो हम उसको मूव करते हैं जो कि बहुत ही क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। और तो अगर बिजनेस कार्गो की बात करें तो अगर छोटे वॉल्यूम को हम किसी जगह जल्दी पहुंचाना होता है तो हम बाई एयर जो है उसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमने और पढ़ा था कि बाई सी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी इस्तेमाल होती है, बाई सी जो है या बाई वाटर जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू टाइप की होती है, इनलैंड और आउटलैंड। इनलैंड ये होती है कि रिवर या लेक या इस तरह की जो है इस पे जो है गुड्स को या पब्लिक जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव या ट्रैवल करती है, और इसका सबसे बड़ा जो है नायल रिवर है, अमेजोन रिवर है, इस तरह से जो बड़ा सबसे बड़ा जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो अमेजोन रिवर जो तकरीबन कई 100 किलोमीटर तक जो है वो बाय रिवर के से अंदर जाता है, फिर वो बाय सी होता है, फिर वो आगे सी में उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है। और बाय अगर हम आउटलैंड आउटवर्ड बाय सी की ट्रांसपोर्टेशन देखें तो बाय वो जो पहले गुड्स को हम सीपोर्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे फिर बड़े जो शिप्स होते हैं कंटेनर शिप्स
वहाँ लोड होती है और तमाम गुड्स या तमाम कंटेनर और फिर बाई सी के जरिए जो है एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव कर दिया जाता है। बाई सी में ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वॉल्यूम जो है वो कोई मैटर नहीं करता, बहुत बड़ा बड़ा वॉल्यूम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह एट ए टाइम मूव हो जाता है। तो बाई सी इस वक्त सबसे बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है, सेफ एंड साउंड भी होता है और सबसे चीप जो है वो बाई सी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, सेफ एंड साउंड है। अच्छा, बाई सी में जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो वेसल हैं वो यूज होते हैं। अगर कंटेनर सर्विस होते हैं, बड़े बड़े मेटल बॉक्स होते हैं जिसमें पहले से जो है वो गुड्स को फिक्स कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है, और ये कंटेनर जो है वो सील्ड कंटेनर होते हैं, लिहाजा ये जब ओशंस में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो किसी भी किस्म की गुड्स को डैमेज होने का खतरा नहीं होता। इसके अलावा अगर क्रूड ऑयल या गैस है, एलपीजी है या एलएनजी है, इसके लिए अलग वेसल सर्विस होती है, बड़े बड़े वेसल्स होते हैं और 550 मिलियन लीटर तक जो है वो क्रूड ऑयल लेके एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इसके अलावा एक बल्क कैरियर होता है जो कि ऐसी गुड्स होती है, ऐसा मटेरियल होता है जो कि कंटेनर में पैक नहीं हो सकता। लेट सपोज मिनरल्स है जैसे कोल है, आयरन ओर है, या सीमेंट है, या ग्रेन है, ये कंटेनर में पैक होके नहीं जा सकते, लिहाजा इसके लिए बल्क कैरियर होता है जो थाउजेंड्स ऑफ टन्स जो है वो एट ए टाइम एक जगह से इसमें बल्क कैरियर में कन्वेयर बेल्ट के जरिए उसको डंप करते हैं और फिर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो इस तरह से हमने इस पूरे चैप्टर में डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर था।